टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में था, जिसमें क्या था कि वाटर जो है वो बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस जो है वो रूट्स ऑब्जर्व कर लेती हैं। बट अब इसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर टू हायर रीजन जाते हैं। जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो हमेशा हायर टू लोअर होता है। जैसे कोई भी चीज़ है वो अपने हायर कंसनट्रेशन, जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से लेके लोअर तक जाएगी जहां पे उसकी कमी है। लेकिन अगेंस्ट का मतलब ये होएगा कि वो अपने लोअर से लेके हायर तक जाएगी, जहां पे ऑलरेडी वो ज्यादा है वहां तक जाएगी लोअर से लेके। तो वो बाय द यूज ऑफ एनर्जी होता है और उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन। तो नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द कॉर्टेक्स सेल एंड सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। अब ये टॉपिक हमने ऑलरेडी करा हुआ है कि जैसे सोयल पार्टिकल्स है उसमें वाटर होता है, तो वो रूट हेयर्स जो है वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और नेक्स्ट वो रूट कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं। रूट कॉर्टेक्स जो होते हैं वो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है वो जाइलम वेसल तक बाय सेल टू सेल, मतलब हर एक स्टेप में वो सेल टू सेल मूवमेंट करते हुए जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है। थर्ड वे इसका होता है कंडक्शन ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सैप फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अब वेसल्स तक पहुंचने के बाद जो अभी भी जो वाटर है वो रूट्स में ही है, तो वेसल्स जो है वो स्टेम तक जाएंगी, स्टेम के आगे ब्रांचेस और ब्रांचेस के आगे लीव्स तक जाती है। मतलब फ्रॉम द रूट्स वो जो वाटर है वो लीव्स तक कैसे पहुँचता है, बाय द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट जो वर्ड है वो मोस्टली असेंडिंग और अपवर्ड मूवमेंट के लिए बोला हुआ है, जहाँ से क्या होता है फ्रॉम द रूट टू द लीफ मूवमेंट होती है वाटर की और असेंडिंग अपवर्ड पोजीशन में होती है, मतलब वो नीचे से अपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ कोई ना कोई एनर्जी यूज़ होती है जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों स्टेप्स जो हैं, ये भी बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी ही पॉसिबल होते हैं। इसके लिए एक डेमोस्ट्रेशन भी दी है। जैसे वाटर का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उससे हमें पता नहीं चलता कि प्लांट में कैसे हुई है, या उसके टिश्यूज़ अगर हम एग्जामिन करें तो हमें पता नहीं लगेगा। एक्सपेरिमेंट में हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका कलर जो है वो पिंक है, तो कॉनिकल फ्लास्क में हमने एक पॉटेड प्लांट डाल दिया। ये जब ये वाटर ऑब्जर्व करेगा तो इसके जब हमने टिश्यूज़ देखे हैं, उसके ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखे हैं, तो लीफ और स्टेम दोनों में हमें पिंक कलर दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल बना हुआ है इसमें भी पिंक कलर है और स्टेम में भी पिंक कलर है। अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो ये सारा जो जाइलम है ये पिंक कलर्ड है, तो ये स्टेन्ड पार्ट है सारा रेड कलर। जो अदर टिश्यूज़ है जैसे फिलोइम है वो नॉन स्टेन्ड है, मतलब वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड तो हमने इसमें डाला नहीं था, इसमें हमने वाटर डाला है, तो इसलिए जाइलम जो है उसका कलर जो है रेड आ गया। तो अब ये चीज़ मतलब डेमोस्ट्रेट हो रही है कि जो जाइलम है वो फ्रॉम द रूट से लेके लीव्स तक ये ऑब्जर्व करता है वाटर को और अपर की तरफ लेके जाता है। इसका नेक्स्ट है रूट प्रेशर और इनिशियल पुशिंग फोर्स। अब ये जो फोर्स है या एनर्जी है ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, तो रूट प्रेशर एक लगता है जिसको हम इनिशियल सबसे फर्स्ट वाला पुशिंग फोर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लांट रूट्स बिल्ड अप प्रेशर डैट फोर्स वाटर अपवर्ड इन द जाइलम वेसल। जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि रूट हेयर उसको ऑब्जर्व करती है, कॉर्टेक्स तक पहुँचता है, फिर जाइलम वेसल तक जाने के लिए इस डायग्राम में जो जाइलम वेसल तक वाटर जा रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कौन पुशअप करता है वाटर को या कौन प्रेशर लगाता है, वो रूट्स होती हैं। रूट्स के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं, तो वो एक इनिशियल पुश होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को ताकि वो जाइलम के अंदर एंटर हो जाए। इट इज़ ऑल्सो होल्ड द वाटर कॉलम। इसकी वजह से ही आगे जो वाटर का कॉलम है नेक्स्ट पूरा स्टेम का वो बनता है। ये सारा जो कॉलम बन रहा है ये नीचे से जो रूट का प्रेशर लग रहा है उसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं ताकि जो वाटर है वो अपर की तरफ जाए। उसके बाद भी फोर्सेस लगते हैं, जैसे सेकंड होते हैं, सेकेंड है रूट प्रेशर इज एक्चुअली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेट डेवलप ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ सोल्यूट और मिनरल्स इन जाइलम द रूट देन डिफ्यूजन इनटू जाइलम ऑफ रूट इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ रूट हेयर। अब ये एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, मतलब कि जो जाइलम है उनमें मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल्स आके क्या करते हैं, जाइलम की रूट्स में भी जो मिनरल होते हैं या वो वाटर को डिफ्यूज़ करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दिस पुश द जाइलम सैप टू राइज अपवर्ड अ फ्यू मीटर इन द स्टेम एंड लीफ, ताकि वो जो जाइलम का सैप है या जो मिनरल्स
हैं वो ऊपर की तरफ मूव करें। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जैसे हमने एक स्टेम लिया, पॉटेड प्लांट लिया है, उसमें हमने वाटर की जगह मरकरी डाल दिया, मरकरी का लेवल अभी यहाँ तक है। कुछ टाइम बाद जब हमने इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो रूट प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ और तो है नहीं, सिर्फ एक छोटी सी स्टेम है, बाकी सारी रूट्स है इसमें, तो रूट प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो मरकरी है उसका जो कॉलम है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, मतलब पहले थोड़ा लोअर है उसके बाद थोड़ा हाई हो जाएगा। ये क्यों होता है, ये देखो यहाँ पे भी इसके बिल्कुल इक्वली है, लेकिन यहाँ पे इससे लोअर हो जाएगा, यहाँ से कम होके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये चीज़ शो कर रहा है कि अगर मरकरी को ये मूव करवा सकता है तो ये वाटर को भी मूव करवाने में हेल्प करता है, उसको पुशिंग करता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन आपको पहले भी बताया, जैसे इज़ अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीफ एंड ग्रीन हर्बेशियस स्टेम थ्रू स्टोमेटा। जो लीव्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटाज होते हैं। अब जो वाटर एब्जर्व होता है, प्लांट एब्जर्व करते हैं, उनमें से सिर्फ ओनली 1 or 2% जो वाटर है वो यूज़ करते हैं प्लांट्स, बाकी का जो लार्ज अमाउंट ऑफ 99% वाटर है वो एक्स्ट्रा होता है और वो लॉस्ट कर देते हैं प्लांट्स बाय ट्रांसपीरेशन। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, उसके थ्रू वो वाटर को लॉस्ट अप कर देते हैं। अब क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या है इसके, टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज ट्रांसपीरेशन। अगर जो एयर है वो थोड़ी वार्म्थ होगी, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर में एयर में मॉइस्चर होना, तो अगर ऑलरेडी उसमें वाटर वेपर है, एयर में ह्यूमिडिटी है, तो ऑब्वियसली सी जो ट्रांसपीरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एयर और ज़्यादा वाटर को नहीं ऑब्जर्व कर पाएगी। विंड जो है वो विंड की स्पीड रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इनक्रीज करेगा, क्योंकि जितनी तेज़ हवा चलेगी वो उतनी तेज़ अपने साथ जो वाटर वेपर है उनको उड़ा के ले जाएगा। लाइट जो है वो उसका भी एक रीज़न होता है, लाइट की वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, तो डे टाइम पे जो ट्रांसपीरेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट, क्योंकि लाइट पड़ने से जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं और लाइट अगर कम हो जाए तो वो क्लोज होते हैं, तो इसलिए नाइट टाइम पे ये जो ट्रांसपीरेशन है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो जो ट्रांसपीरेशन है वो भी बंद हो जाती है।